और लाहौर में खातून से मुबैना ज्यादती और कराची में ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल के वाकयात का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। इमरान खान कहते हैं कि महजब माशरों में ऐसे वाकयात इंतहाई शर्मनाक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वजीर फैसल वाडा से मुलाकात की, जिसमें सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक फैसल वाडा ने कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची मरवा और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ पेश आने वाले वाकयात के मामले का वजीर आजम के सामने जिक्र किया। ज़राए के मुताबिक फैसल वाडा ने कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची मरवा और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ पेश आने वाले वाकयात का मामला वजीर आजम के सामने उठाया। वजीर आजम इमरान खान ने दोनों वाकयात का नोटिस लेते हुए कहा कि महजब माशरों में ऐसे वाकयात इंतहाई शर्मनाक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। ज़राए का कहना है कि फैसल वाडा ने वजीर आजम से ज्यादती के मुजरिमों को फांसी देने का कानून लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिनसी दरिंदगी करने वाले अफराद को फांसी देकर इबरत का निशान बनाएं। विफाकी वजीर फैसल वाडा ने वजीर आजम को तजवीज दी कि अगर फांसी का कानून लाया जा सकता है तो कास्ट्रेशन का कानून अमल में लाया जाए। इमरान खान ने मुजरिमों को सख्त सजाएं दिलवाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बात करा के दिखाऊंगा आपको, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जाके बात की है। कैस्ट्रेशन, नामर्द बनाया ऐसे लोगों को, अगर आप कुछ नहीं कर सकते। टर्की में ये फॉर्मेट है, जब नामर्द बनाएंगे तो सारी जिंदगी वो सिसकियां लेके हर मिनट याद करेगा कि उसने क्या जुर्म